नमस्कार, कैसे हैं आप? विपक्ष के पारंगतों की जो पटना में बैठक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगे, तो पूरा विपक्ष बिखर गया। पटना की बैठक के एक संयोजक नीतीश कुमार बन रहे थे, तो 17 पार्टी थी। अब सोनिया की अगुवाई में विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में होगी, तो कहते हैं संख्या बल बढ़ गया है, 24 हो गया है। सोनिया ये क्रेडिट ले रही है और सोनिया को ये क्रेडिट कांग्रेस दिलाना चाहती है कि उनके छत्र छाया में विपक्ष मजबूत ज्यादा होगा। 17 से 24 पॉलिटिकल पार्टियों का आ जाना क्या गिनती की ये पार्टियां हैं या कुछ और है? लेकिन पटना की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जहां जहां प्रहार किया, उसके असर में सोनिया सेना कैसे पस्त हो गई है। पटना के बाद बैठक शिमला में होना था। क्यों शिमला में होना था? इसलिए कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है और सोनिया गांधी वहां अक्सर स्वास्थ्य लाभ लेती हैं। प्रियंका वाड्रा ने शानदार वहां हवेली बनाया है, तो सोनिया अक्सर उसी में स्वास्थ्य लाभ लेती हैं। तो स्वास्थ्य लाभ उन्हें लेना था, इसीलिए वहां बैठक होनी थी। फिर यह तय हुआ कि एक नहीं, ये बैठक बेंगलुरु में होगी और बेंगलुरु में अब विपक्ष के नेता जाएंगे, लालू प्रसाद यादव भी जाएंगे, नीतीश कुमार भी जाएंगे। विपक्ष की वो पार्टियां जाएंगी जिनका कई बार किसी ने नाम नहीं सुना है, 24 गिनाया गया है। लेकिन इस बैठक में कौन सा एजेंडा है जो पटना के बाद भारी पस्त दिखाई देंगे? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने पटना की बैठक के बाद 20 लाख करोड़ की गारंटी की बात कह दी थी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ की गारंटी की बात क्या की थी, सुनिए जरा, याद कीजिए उसे। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑफ कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह भ्रष्टों और बेईमानों की गैंग है जिसके पास घोटाले की गारंटी है। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारी भी एक गारंटी है और कहा कि हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, ये मेरी गारंटी है। करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है,
उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। और इसी गारंटी के बाद पवार कुनबा पस्त हो गया। शरद पवार के भतीजे और उनके अजीत पवार और उनके सबसे नंबर वन चेला प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे लोग बाहर आ गए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो आरोप यह भी लगने लगे, क्या बीजेपी के मोदी के मशीन में आकर के वाशिंग मशीन में सब साफ हो जाते हैं? कल तक जो अजीत पवार के साथ कूद रहे थे, अब अजीत पवार के खिलाफ हो गए, और जो अजीत पवार को बेईमान बता रहे थे, वो अजीत पवार को अपने खेमे में ला लिए। राजनीति का एक खेल अद्भुत है। लेकिन पटना से बेंगलुरु के दूरी के बीच देखिए कि सोनिया चालाक तो बन रही है अपना कद बढ़ाते हुए, लेकिन सोनिया की पूरी सेना पस्त हो रही है। पवार अपने घाव सहला रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे के ऊपर इसी बीच चार्जशीट हो गई। बेटा का नाम चार्जशीट में नहीं था अब तक। लालू तो सजायाफ्ता अपराधी हैं, उन्हें आदत है, पांच पांच मामले में सजायाफ्ता अपराधी हैं। अब उनकी पत्नी भी चार्जशीटेड है, राबड़ी देवी। बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद है, वो भी चार्जशीटेड है। और डिप्टी सीएम बिहार तेजस्वी यादव समेत 16 लोग चार्जशीटेड हैं। नैतिकता तो यही कहता है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी इस्तीफे की मांग के लोग को लेकर के पटना की सड़कों पर जब बीजेपी ने बवाल किया तो लठ बरसाया गया। एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई, सांसद भी घायल हुए बीजेपी के, और नेता प्रतिपक्ष भी। लेकिन इस बीच में हताश तो लालू प्रसाद भी होंगे, क्योंकि उनका बेटा चार्जशीटेड हो गया। अब जेल जाना खुद के लिए तो पिता के लिए ठीक है, लेकिन यदि बेटा जेल जाए, पत्नी जेल जाए, बेटी जेल जाए, तो फिर अकर वाले लालू यादव का क्या हाल होगा? तो पटना से बेंगलुरु के बीच पवार के पस्त होने के बाद लालू को भी अपना नष्ट होना दिखाई दे रहा है। और फिर नीतीश कुमार, जो बड़ा कूद कूद करके संयोजक बन रहे थे, उस नीतीश कुमार का हाल देखिए। नीतीश कुमार को दिन रात डर सता रहा है अमित शाह का। अमित शाह बार बार बिहार जा रहे हैं और नीतीश को डर सता रहा है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि तुक्का मारते हुए 2,000 करोड़ रुपए लेकर के बिहार में नीतीश अब बैठ गए हैं अमित शाह, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए। कमाल की बात यह है कि ये बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, लालू यादव तो नहीं कह रहे हैं। लालू को तो टूटने का डर नहीं सता रहा। तो ऐसा क्या है कि पटना की बैठक के बाद ये कुनबा पस्त हो रहा है? जो नीतीश संयोजक बन रहे थे उनके हाल क्या हो गए हैं? लेकिन सोनिया सेना को लग रहा है कि वो विपक्ष की इस लड़ाई में आगे हो जाएंगी। जब उन्हें इस बात को लेकर हो रहा है कि पूरा जो एनडीए का कुनबा है, उनके तुष्टिकरण के नायक, उनके खलिया खैराती भी ये कहते हैं गैंग के लोग कि एनडीए तो खत्म हो चुका, नीतीश कुमार बाहर हो गए, शिवसेना बाहर हो गए, पंजाब से अकाली बाहर हो गए, तो एनडीए नामक चीज रह क्या गई? तो दूसरी तरफ एनडीए की भी बैठक होनी है। उस बैठक में अपना कुनबा बड़ा कर रहे हैं मोदी। जो लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए बिखर गया है, उसमें आप बिहार में देखिए तो जीतन राम मांझी एनडीए उसी लालू से टूट करके बाहर आए, उपेंद्र कुशवाहा आए, मांझी के बाद जो एक और मल्लाह नेता हैं, सन ऑफ मल्लाह बिहार कहते हैं, मुकेश साहनी आए, चिराग पासवान आ गए, टीडीपी आ रही है, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल जेडीएस, जिस जेडीएस के लिए जिस देवेगौड़ा को कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने सहलाया, अकाली दल भी वापस आने की जद्दोजहद में है। तो ये साफ है कि यूपीए का कुनबा
भले ही संख्या बल में पावरफुल दिखाई दे रहा है लेकिन वो हताश और पस्त है और एनडीए के कुनबे को मोदी बड़ा कर रहे हैं। मामला यहीं तक नहीं है, सवाल यह सी नहीं है कि 20 लाख करोड़ की गारंटी की बात की, मोदी ने यूसीसी की भी बात की थी। आपको याद होगा पटना के इस बैठक से गुस्से में आए मोदी ने यूसीसी कह दिया, वादा कर दिया कि यूसीसी लागू होगा, और उन्होंने यह भी कहा था कि यूसीसी तो सुप्रीम कोर्ट लागू करने की बात कर रहा था। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितेशी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। मोदी के इस बयान के बाद कोहराम मच गया कि क्या यूसीसी आएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास तीन प्रमुख एजेंडे थे, राम मंदिर का निर्माण, 370 धारा खत्म करना और यूसीसी। जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने एनडीए बनाया था तो अपने इन तीनों मुद्दों को तिलांजलि दे दी थी। जब तक वाजपेयी जी की सरकार रही एक बार भी बीजेपी ने एनडीए के साथ राम मंदिर की बात नहीं की, 370 की बात नहीं की, यूसीसी की बात नहीं की, क्योंकि यह मजबूरी थी। और लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार यह कहा था, 1996 में 13 दिन की सरकार बनी, जो अछूत पार्टी थी बीजेपी, उसे कुछ के साथ कुछ लोग आए इन्हीं तीन मामलों की तिलांजलि देकर के। फिर 13 महीने की सरकार अटल जी की, वह भी गिर गई। उसके बाद 5 साल की सरकार चली, लगभग 6 साल अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे और मुंह से राम मंदिर, 370 और यूसीसी की बात नहीं की। मोदी सरकार आई, 5 साल रही और न राम मंदिर पर चर्चा हुई, न 370 पर, न यूसीसी के बाद। लेकिन दूसरी बार जब 2019 में सरकार आई तो फटाफट राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ, भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे चुनाव से ठीक पहले, जनवरी 2024 में। 370 का भी खात्मा हो गया, 4 साल लगभग हो गए 370 के खात्मे होने का, और जम्मू कश्मीर में सुकून है। बात रह गई यूसीसी की, बस एक मुद्दा है जो बीजेपी का ने जो देश को सपना दिखाया था उसमें यूसीसी, कॉमन सिविल कोड, और यही मुद्दा उछाल करके मोदी ने दरअसल इन विपक्ष के लोगों को मजबूर किया है एकजुट होने के लिए, और यही मोदी की का शातिराना चाल है, यही मोदी की चालाकी है। अब यूसीसी के नाम पर ये एक होंगे क्योंकि तुष्टीकरण का वोट बिखर नहीं जाए, इसीलिए यूसीसी के नाम पर मुस्लिमों को भड़काकर पूरा विपक्ष तुष्टीकरण का पूरा वोट बटने नहीं देना चाहता, क्योंकि बड़ी संख्या में पसमंदा मुसलमान अब बीजेपी के साथ आ रही है, उसे रोकने के लिए यूसीसी का खौफ दिखाकर पूरा विपक्ष एक हो रहा है। और मोदी यही चाहते हैं कि इन्हें साबित कर दिया जाए कि सब सिर्फ यूसीसी रोकने के लिए आना चाह रहे हैं, ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। दरअसल मोदी यही चाहते थे
और इसी में ये फंस गए हैं। ये जो ही एकजुट होंगे ये हमला फिर होगा कि भ्रष्ट और बेईमान एकजुट हो गए हैं, मोदी यही चाहते थे। तो विपक्ष की एका में भले ही वो एक नजर आए लेकिन वो पस्त होकर एक नजर आ रहे हैं, अपने अपने घाव सहलाते हुए एक नजर आ रहे हैं। और जब 2024 के चुनाव में एकजुट होकर के यूसीसी के खिलाफ होंगे, भ्रष्टाचार के आरोप से लदे हुए होंगे, तो मोदी वहीं चोट मारेंगे। तो भले ही सोनिया सेना अपने आप को एकजुट होने का भय दिखा रही है लेकिन वो डरी डरी हुई है, इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बेटे को लगता है कि यूपी में हम कहां इन्हें जगह देंगे। ये एक तो हो जाएंगे लेकिन कौन किसके लिए स्पेस छोड़ेगा। ममता बनर्जी बंगाल में पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखा करके आई है, तो क्या वो कांग्रेस और वामियों के लिए बंगाल में जगह देगी? क्या मुलायम सिंह यादव के बेटे उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा सूबा है देश का, वहां कांग्रेस को कोई जगह देगी जिसके पास अब सोनिया के अलावा कोई सांसद नहीं और रायबरेली से भी सत्ता जानी है? तो ये खेल साफ समझ में आ रहा है कि विपक्ष एका में बढ़ता सोनिया सेना पस्त नजर आ रही है। और 17 और 18 जुलाई की रात के डिनर में, भोजन के आनंद में कितना खौफ होगा यह देखना होगा। पटना की बैठक के बाद जिस तरह से मोदी ने पंचर कर दिया पूरे पवार कुनबा को, लालू कुनबा को, क्या 18 जुलाई के बाद मोदी फिर से सोनिया कुनबा पे हमला करेंगे? क्योंकि ये कहा गया है कि छोड़ूंगा किसी को नहीं, नए ईडी अधिकारी आ जाएंगे और नए सिरे से जांच होगी। तो इस कुनबे से एक एक के घर से पैसे निकाले जाएंगे और देश की जनता यदि इनके साथ होती तो तेजस्वी के जेल जाने पर के भय में उनके चार्जशीट होने पर भी आवाज उठती। राहुल गांधी को सजा हो गई, कांग्रेस चार लोगों को दिल्ली में जुटा नहीं पाई। तो अब इन सबको समझ में आ गया है कि दरअसल जनता इनके साथ नहीं है, किसी तरह से एकजुट होकर उन्हें जोड़ा जाए। मोदी के सामने पस्त होते विपक्ष अब की बार हताशा के मोड में है, पटना से ज्यादा हताशा के मोड में बेंगलुरु में। तो फिर बेंगलुरु के बाद क्या होगा, कौन नेता होगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। और यह लड़ाई विपक्ष कहां तक ले जाएगी मोदी के सामने में, यह भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।